अस्सलाम वालेकुम जी, सबको रमज़ान मुबारक। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमने जुमे की तैयारी की है, मस्जिद गए हैं और जुमा पढ़ा और साथ में जो है ना वहाँ पर तालीम करवाई। तो चले एंड तक देखिएगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये आ गया जी सूट, ये आ गया इसका पेंट पजामा, ये आ गया जी घड़ी, ये आ गई मेरी रिंग, ये आ गई जी कैप, और ये आ गई मसवाक। और आपको पता है कि रोज़े में जो है ना आप ब्रश नहीं कर सकते, लेकिन मसवाक तो करनी ज़रूरी, और मसवाक तो सुन्नत समझ के भी करनी चाहिए। आपको पता मसवाक के कितने फ़ायदे हैं, वो मैं आपको वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता दूं अभी मसवाक के कितने फ़ायदे हैं, उनमें से मुझे कुछ याद है कुछ नहीं है। 70 फ़ायदे हैं मसवाक करने के। और ये तो रख लो पहले आपको बताऊँ 70 में से जो मुझे याद हैं। सबसे पहले तो ये सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है और आप इस्लाम की सुन्नत है। और कोई भी आप सुन्नत अमल करते हो और सुन्नत समझ के करते हो तो जो है ना आपको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ए भी आ गया तो उन्होंने गर्मी के दाने भी आ गए। दूसरा ये कि आपके दांत मजबूत होते हैं। तीसरा आपकी आंखों की रोशनी तेज़ होती है। चौथा आपके मैदा जो है ना वो सही से काम करता है, मजबूत होता है, आपका स्टमक प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं रहते। और पांचवा कि आपको मरते वक्त कलमा नसीब होगा, उसको खुद जिसका मफहूम है फरिश्ते जो है ना तो उसको जो है ना फरिश्ते खुद उसको कलमा पढ़ाएंगे, और उसका जब कलमा पढ़ के मरेगा तो उसका खात्मा ईमान होगा। और एक ये था, मैं सिंपल सा आपको बता दूं, यहाँ पे तशरीह करते करते मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई थी। ये भी है कि जिसके पास मिसवाक होती है उसका जो है ना एक्सीडेंट अगर होता है और उसके पास मिसवाक है तो उसकी हड्डी नहीं टूटेगी, ये मिसवाक की बरकत है। हाँ, जिसका मफहूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त कम अज़ कम मिसवाक किया करते थे। जो बंदा मिसवाक करके नमाज अदा करे अल्लाह ताला उसको 70 नमाजों के बराबर सवाब देगा। सुभान अल्लाह। जो बंदा मिसवाक करके नमाज अदा किया करेगा तो मौत के वक्त फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर उससे कहेंगे ए बंदे कलमा पढ़ ले। सुभान अल्लाह। अभी जो मैंने आपको बताई थी ये कितनी बड़ी बात है, ये अभी सुनना ज़रा। जब तुम नमाज के लिए मिसवाक करोगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी सुन्नतें हैं आज तक तमाम नबियों की सुन्नतों के साथ अल्लाह तुम्हें नस्बतें अता करके नबियों की इबादत का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। एक एक मिसवाक करने पे कि नबियों की जो इबादत थी ऐसे अल्लाह सवाब अता फरमा देंगे। और जिस तरह हम कानों में कलम रखा करते हैं इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानों में मिसवाक रखा करते थे ऐसे। ये अब ये ज़रा थोड़ी मोटी है ऐसे। आजकल तो वाकई कलम पेंसिल पेन ये हम रखते हैं। और तुम मिसवाक करो तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी। यार सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह कितनी बड़ी बड़ी बरकतें हैं यार एक मिसवाक करने पे। तो आज अभी से जाके जो मिसवाक नहीं करता अभी से जाके बाजार से लेके आए और अपनी आदत बना ले, मामूल बना ले डेली बेस पे कि उसे मिसवाक करनी है। कितनी बड़ी बात आई यार। हर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत, उसकी बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत, बेबी की इज्जत, माँ की इज्जत, सबकी घर की जो इज्जत है वो महफूज रहे। कितनी बड़ी बात है, तुम मिसवाक करो तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन बन जाएंगी यार। सुभान अल्लाह। जब तुम मिसवाक करके साथ हमारे घर बन गए आरा लगा हुआ है, सुन लो, खैर इग्नोर। जब तुम मिसवाक करके वजू करते हो तो फरिश्ता घर से लेकर मस्जिद तक तुम्हारे साथ चलता है और तुम्हारे मुंह की खुशबू को सूंघता है। सुभान अल्लाह। यार यार करो मिसवाक, मैं कह रही हूँ कसम से पक्का कह रही हूँ, जो नहीं करता वो करे मिसवाक। और जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर कहा मिसवाक करो करो, मैंने समझा कि शायद ये फर्ज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने मिसवाक को हर वक्त नहीं किया, कभी कभी छोड़ दिया ताकि मेरी उम्मत पे ये फर्ज ना हो जाए। क्या कहा आप अलैहिस्सलाम को आकर जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा मिसवाक करो करो, मैंने समझा कि शायद ये फ़र्ज हो जाएगी, इसलिए मैंने मिसवाक को हर वक्त नहीं किया,
कभी कभी छोड़ दिया ताकि मेरी उम्मत पे फर्ज ना हो जाए। कितना ख्याल, कितनी मोहब्बत, कितनी चाहत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, हमारे साथ घर बन रहा है इसलिए वहाँ पे चीज़ें आ रही जा रही, बहुत ज़्यादा शोर है। तो ये चंद हैं, तो 70 फ़ायदे हैं जिस जो मैंने पहले कुछ बताए, कुछ ये बताए। तो एक मसवाक करने के, यार मैंने तो अभी करी। हाँ, दूसरी बात, पानी के पास बैठ के जो है ना मसवाक करनी चाहिए। ये नहीं है बस अंदर बैठे हैं कर रहे हैं बस मसवाक, नहीं, पानी के पास बैठ के थोड़ी देर चबाओ, दांतों पे करो, उसके बाद कुल्ली करो, मसवाक धो लो, फिर दोबारा करो ऐसे चबा चबा कर, सही है ना। चले अभी मैं मसवाक कर लूँ। मिलते हैं। वल्लाह माशाल्लाह कमाल हो गया। तो हम हो चुके हैं जुमे के लिए तैयार, और खुशबू लगा लो अभी इतर। ये है हमारा रुमाल, इसका भी लगा लेना। ये रुमाल लेकर दिखाऊं, तो अभी फ्रेंड जो है ना 12:13 हो चुके हैं, हम चलते हैं मस्जिद में, चलते हैं वहां पे कुरान मजीद की थोड़ी तलावत करते हैं, उसके बाद 1 बजे बयान शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे जुमा होगा। तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पर अगर मौका मिला तो थोड़ी जाके वीडियो बनाते हैं वहाँ पर भी, ठीक है ना। तो आए चलते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, बुज़ुर्गों के साथ जो है ना टाइम बिताया करें, ये वो दरख्त हैं जिनके साय की हमें हमेशा ज़रूरत है। अल्लाह वाले ऐसे काफी लोग हैं कि वो पहली फर्ज़ पे सदका करते हैं। ये हैं साजिद भाई और बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा चले अल्लाह के घर में थोड़ा टाइम ही गुजार ले तो तालीम करवा ली जाए, तो फिर अभी हमने तालीम करवाई, आप भी सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान मुबारक की हर शब और रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं, और हर मुसलमान के लिए हर शब और रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। फ़ायदा, बहुत सी रवायात में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना वारद हुआ है। बाज़ रवायात में आया है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग उस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने की तो कहाँ फुर्सत, खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु। ए अल्लाह, तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाया हूँ, और तुझी पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क से इफ्तार करता हूँ। तो ऐसे ही जैसे अल्लाह ने कहा है कि इफ्तार के वक्त अल्लाह पाक एक दुआ कबूल करते हैं, तो आप 30 रोज़े होते हैं, डेली बेस पे आप अगर एक दुआ मांगते हैं तो 30 दिन में 30 दुआएं होगी जो कि शर्तन कबूल होंगी। वैसे तो वो रहीम है, पाक है, इंसान की सुनता है। तो आप इफ्तारी के टाइम एक दुआ अल्लाह से मांग लिया करें, सिर्फ एक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह कबूल करेंगे। अल्लाह पाक आपके मेरे सबके दिल की नेक मुरादें पूरी करें। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रमज़ान मुबारक हो गया सबको, अल्लाह हाफिज़।